तो चलिए आज हम क्लास 12 प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि इसका आप थ्योरी नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग पहले इसका थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, फिर प्रश्नावली को बनाना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे 100%, बट एक बार आप दो देख लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स बराबर 3x+17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। अब मान लीजिए आपको निरंतर वर्धमान, निरंतर हर्षमान, वर्धमान, सिर्फ हर्षमान, ये सब क्या होते हैं आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे भी नहीं उतना खास डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पहले थ्योरी पढ़ ही लीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगा यार, 10-12 मिनट लगेगा, उसको देख लो, ठीक है। एक बार उसे ज़रूर आप लोग देखें, ओके। चलिए तो स्टार्ट किया जाता है। यार लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, चलो ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे यह हमारा निरंतर वर्धमान है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, आइए, ठीक ना। बहुत मज़ा आएगा बनाने में, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, पेशेंस रखो। और बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, और हमारे बच्चे लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। डरने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना, डरने की जरूरत ही नहीं है। आराम आराम से देखेंगे, आराम से सीखेंगे, ओके। सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एफ एक्स बराबर हमारा दिया क्या है। तो जो एफ एक्स बराबर दिया रहेगा उसको लिख लो। एफ एक्स बराबर दिया है 3x+17, ठीक है। अब जो ये दिया रहता है, हम कैसे निरंतर वर्धमान पता करते हैं, तो जो एफ एक्स का वैल्यू दिया रहता है उसको अवकलन करने पर, ठीक है ना। चैप्टर 5 के ही अनुप्रयोग है ना, उसी से रिलेटेड, चैप्टर 5 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको पहले अवकलन कर देंगे। किसके में, किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के ना, क्योंकि एक्स में दिया है, एक्स के सापेक्ष करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो एफ एक्स यानी एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 3x का अवकलन करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा और 17 का 0 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर जो आया वो आ गया 3। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो प्रदत्त है ये हमारा निरंतर वर्धमान है। तो देखिए, निरंतर वर्धमान को चेक करने के लिए फार्मूला होते हैं जो कि आपको यहाँ पर लगाना जरूरी है। कहता है कि एफ डैश एक्स बराबर धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स बराबर यहाँ पर कोई भी संख्या आएगी लेकिन 0 से यदि बड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको निरंतर वर्धमान बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, जब हमारा एक्स जो है एक बिलोंग करे किसमें, रियल नंबर, ठीक है। हम लाइट को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है ना, पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो असल लाइट में प्रॉब्लम आ रही है, इसको अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि अच्छा हो गया होगा, अब इधर उधर नहीं होगा। देखिए हम चेक कैसे करेंगे, तो एफ डैश एक्स का जो मान होना चाहिए वो हमारा धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होना चाहिए। किसके लिए भाई साहब, निरंतर वर्धमान के लिए। जो हमारा एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी हमारा कहने का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान क्या आया है, 3 आया है ना, यानी 0 से बड़ा आया हुआ है। तो हम इसको क्या फिर बोल देंगे, हम आराम से बोल देंगे कि निरंतर वर्धमान फलन है, समझ गए। तो ये बात हम थ्योरी में पढ़ाए हैं पहचानने के लिए। तो लिखेंगे इसका आंसर, यह फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर
वर्धमान फलन है, फलन है आंसर। यही हम लोग को चेक करने के लिए बोला था कि है कि नहीं है, ये हमारे एक नंबर में कभी काल पूछ लेते हैं, नहीं तो कभी कभी 2 मार्क्स में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइए, ध्यान से करिए, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। सारे इसी तरह बनेंगे, जो लोग थ्योरी पढ़ लिए उनके लिए तो इजी हो जाएगा यार, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। और अब बताना भी कि इजी है, इजी हो जा रहा है कि नहीं, जब थ्योरी पढ़ने के बाद पढ़ रहे हो और बिना थ्योरी के बाद पढ़ रहे हो, दोनों में कितना डिफरेंट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। अब दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाने के लिए दे दूं, जस्ट उसी तरह से बनेगा? चलो अभी स्टार्टिंग है तो हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बीच में बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे जो कि आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले से यहाँ पर लिख करके रेडी रखे हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, ओके। कैमरा क्वालिटी कैसा है बताओ पहले, अच्छा दिख रहा है ना, चलो बढ़िया। सोल्यूशन इसका भी देखिए, ये क्या है, मेरे को लग रहा है कैमरा क्वालिटी जो है ना उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक ना। क्या है जी, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया पहले लिख लेते हैं ना, तो लिख लो, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही बनेगा, ई के पावर 2x, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, इसमें क्या लगाएंगे, ई के पावर 2x में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ना, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा ई के पावर 2x और फिर 2, ओके। हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिए, सब हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं चैप्टर 5 में ही, तो डिटेल में यहाँ पर नहीं बताएंगे, आपको पता होगा कैसे हम तोड़ते हैं, नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में करना कमेंट, आपको बता देंगे यार, स्पेशल आपको बताएंगे। एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ से कितना हो गया, इसका लिखने का मतलब क्या, ई के पावर 2x इंटू 2 के लिखने का मतलब है कि 2 इंटू ई के पावर x और इसका पावर 2, मतलब दोनों को गुणा कर देंगे तो फिर तो 2x ही हो जाएगा ना। अब देखो एफ डैश एक्स बराबर 2 का 2, और ये हमारा ई के पावर x और इसका पावर 2 जो है ये क्या है, एक धन संख्या है, माइनस में तो है नहीं, ऋण संख्या तो नहीं है ना, माइनस नहीं कहीं लगा है ना, तो ऋण संख्या तो है नहीं, यानी क्या है, एक धन संख्या है, क्या है, एक धन संख्या, धन मतलब धनात्मक संख्या है। तो हमारा थ्योरी कहता है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, कब, जब हमारा एक्स बिलोंग करता होगा एक रियल नंबर में, तो जो रियल नंबर है ना एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है कि नहीं है, देखो बड़ा है यार, 2 इंटू धन संख्या मतलब 0 से तो बड़ा ही है ना, छोटा तो है नहीं, जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम फिर क्या बोल देंगे, क्या निरंतर वर्धमान फलन है या निरंतर वर्धमान फलन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन 3 को सॉल्व करने से पहले देखो एक यहाँ यहाँ पर 18 नंबर जो क्वेश्चन है जस्ट उसी तरह से बनेगा। सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² + 3x - 100 वर्धमान है, सिर्फ वर्धमान बोला है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए ताकि आप लोग को एक ही जैसा है तो जो क्वेश्चन है ना उनको एक साथ सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर सिर्फ वर्धमान है और यहाँ पर क्या है, निरंतर वर्धमान, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है डिफिनेशन में, ठीक ना। आपको थ्योरी में हम पढ़ाए हैं वहाँ पर डिटेल में, आप पढ़े होंगे तो अच्छा होगा, आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो एक बार फिर से कहें कि आप वहाँ पर पहले पढ़ लो, तब मजा आएगा 6.2 को करने में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 1 2 हो गया, 18 भी यानी 18 भी उसी के जैसा है, तो इसको भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, इसमें पहले जो एफ एक्स का वैल्यू दिया उसको लिख लेंगे, लिखिए एफ एक्स बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x का सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया उसी तरह से इसको भी करना है। तो कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f(x) का क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x² डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का 2x एक्स 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना, कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6x, और 3x का क्या हो जाएगा, 3, और इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से f'x बराबर, यहाँ से हमारा आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 3, इतना वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको, इसको ऐसे कर लो कि f'x बराबर, तीनों में कॉमन क्या है, 3, तो ले लो, यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ से f'x इजकल टू a3 का 3 और x माइनस 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये कैसे आपने लिख दिया, तो यहाँ पर रफ में देखो, यदि हम एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर को, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे किस पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर तो एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान एक्स, बी के मान 1, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया, यानी हम इसके बदले एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वहीं हमने इसके बदले यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, f'x बराबर 3 का 3, हम जब इसको तोड़ेंगे, क्या है, एक धन संख्या, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर माइनस को ही प्लस कर देता है, यानी ये क्या है, प्लस यानी धन संख्या आया, 3 * क्या आ गया, एक धन संख्या आ गया। आपसे क्या बोला गया है कि सिद्ध करिए कि एक वर्धमान है, तो देखिए वर्धमान भी वही कहता है जो हमारा निरंतर वर्धमान फॉर्मूला कहता है। ठीक है, आपको सारा हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, यानी हमारा ये भी कहता है कि f'x का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो x है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, एक रियल नंबर में, तो रियल नंबर है ही, तो हम बोल देंगे जब 0 से हमारा f'x यानी क्या है, बड़ा है ना, 0 से, जब 0 से बड़ा है तो हम बोल देंगे कि आप क्या है, या वर्धमान फलन है। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो 18 था, 19 नहीं देखेंगे हम, देखेंगे कौन सा, 3 देखेंगे, 3 देखेंगे, 3 तो अभी नहीं सॉल्व किए ना, 3 को देख लिया जाए, 3 भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कोई खास बात इसमें है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sinx से प्रदत्त फलन ये है कि एक निरंतर वर्धमान है और एक निरंतर निरंतर हर समान है, और ना तो वर्धमान है और ना ही हर समान है। 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है कि f(x)(sin x) प्रदत्त फलन, इसमें तो पता है क्वेश्चन नंबर ये दिया है कि 0 से लेकर पाई बाई 2 में एक निरंतर वर्धमान होना चाहिए, पाई बाई 2 से पाई में एक निरंतर हर्षमान होना चाहिए, और 0 से पाई में न तो वर्धमान हो और न हर्षमान हो, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा f(x)(sin x) दिया उसको लिख लो, इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया है उसको लिख लो, f(x)= क्या दिया है, sin x। पहले तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, f(x) का f'x बराबर साइन का cos x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक गया है। ठीक है, यानी इस तरह से इधर हमारा इन्फिनिट होगा, इधर माइनस इन्फिनिट होगा, और इसका जो वैल्यू है कहाँ से, 0 से लेकर के पाई बाई 2
और उसके बाद कहाँ तक, पाई तक, यानी किसका वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा। एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू से लेकर पाई तक, एंड 0 से पाई तक, कहने का मतलब कि 0 से लेकर पाई तक गया है, ठीक है। और आपको पता है ये सब क्या है, पॉजिटिव। जब एक्स का मान हम 0 भरेंगे एफ एक्स में तो पॉजिटिव देगा, पाई बाई टू देंगे तो पॉजिटिव, लेकिन जैसे हम 180 रखेंगे तो क्या कर देगा, निगेटिव। यानी हमारा इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव हो जाएगा। कैसे, देखो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन कितना का, साइन 90 का 0 हो जाएगा, साइन 180 का मान क्या होता है, माइनस में वो चला जाता है, ठीक है, इसलिए माइनस में रखा गया है। ये कन्फ्यूज मत होना कि इधर प्लस कर दिया माइनस कर दिया, माइनस में होगा इसलिए किया गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर ए पर आइए, वो जो दिया है, जो इसका वैल्यू बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के पाई बाई टू तक, एक्स का जो वैल्यू बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेकर के पाई बाई टू तक बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स का जो मान है 0 से लेकर के पाई बाई टू तक, किस में जाएगा, प्लस में जा रहा है, यानी ये क्या है, धनात्मक है। जब ये धनात्मक है तो आपको पता है कि जब 0 से बड़ा हो रहा है, धनात्मक है, तो हम इसको बोल दें कि निरंतर वर्धमान फलन है, यानी हमारा एफ डैश एक्स का जो मान है 0 से बड़ा हो रहा है तो यह निरंतर वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर क्या है, पाई बाई टू से कहाँ तक, पाई तक, उसको लिए निरंतर हर समान के लिए। तो ये क्या कहता है, पहले एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेकर के पाई तक, और एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स जो वैल्यू होगा, देखो पाई बाई टू से लेकर पाई तक, पाई हमारा क्या निगेटिव में चला जाएगा, तो क्या होगा, एक ऋणात्मक आ जाएगा, यह ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। तो आपको तो निरंतर हर समान बताना है, तो निरंतर हर समान फॉर्मूला कहता है कि एफ डैश एक्स 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसको बोलेंगे निरंतर हर समान। तो क्या हो रहा है, 0 से तो छोटा हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, यानी यह क्या हो गया, हर समान फलन हो गया। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको जल्दी पता चलेगा, ठीक ना, निरंतर हर समान फलन है। अब तीसरा जो बोला है वो क्या बोला है, 0 से लेकर के पाई तक, इसके लिए देखिए एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी हमारा इसका जो वैल्यू होगा ये दोनों के लिए है, ना इसको वर्धमान करना है, इसे प्रूव करना है, ना तो ये वर्धमान होना चाहिए और ना ही हर समान होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, अब तो अपने आप पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो एक्स एफ डैश एक्स एक बार 0 से बड़ा होना चाहिए हर समान के लिए, और एक चेक करना है कि एफ डैश एक्स छोटा होना चाहिए 0 से। तो जब हम एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई बाई टू लेते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, ये आ रहा है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, परंतु जब हम एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेकर के पाई ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, तो हमें क्या मिल जा रहा है, वो मिल रहा है हमें ए वाला बी नंबर, ए मिल रहा है हमें कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, ऐसी स्थिति में तो कभी हमारा हो ही नहीं सकता है। तो हम इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे कि इसी इसी स्थिति में, यही दोनों स्थिति में, ठीक ना, इसी स्थिति में जब एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई तो वह फलन न तो वर्धमान फलन है, न तो वर्धमान फलन है और न ही हर समान फलन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशन, एक तो ऊंच ले जा रहा है, एक नीचे ले जा रहा है, तो फिर कैसे, दोनों में से तो हमारा पता चल ही गया, तो पहला कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अब दोनों को मिलाकर लिखना है, तो यार हम दोनों लिख लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, ईजी था यार, इसमें कुछ है नहीं, समझने वाली बात है, थ्योरी पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि दिक्कत आए तो मेरे को बताते रहना, अपने मन की बात मन ही मत रखना, ठीक है।
मेरे को बताना है। ओके उसका हम सोल्यूशन जरूर देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अंतराल ज्ञात करना है जिसमें एफ एक्स इजकल टू 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f बराबर एक निरंतर वर्धमान एक निरंतर हर्ष मान है। आपको क्या करना है? अंतराल ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। इजी है, अभी बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना होगा आपको। सबसे पहले जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू दिया उसको लिख लो। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है 2x² - 3x, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, उसके बाद इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए क्योंकि एक्स में दिया है। लिख लीजिए कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, और 2x² है ना, टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा। इसको हम डायरेक्ट कर लिए तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 4x - 3, इसको मान लो सेकेंड है, ठीक है। अब क्या होगा देखना ध्यान से, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब हमें क्या पता करना है कि अंतराल ज्ञात करना है ना, निरंतर वर्धमान और निरंतर हर्षमान दो चीज़ दिया है। तो निरंतर वर्धमान और निरंतर हर्षमान का मान तभी प्राप्त होगा जब हमारा उसका एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए कि उसका मान तभी निकल पाएगा जब उसका मान 0 के बराबर होगा, या तो निरंतर वर्धमान हो चाहे निरंतर हर्षमान हो। तो लिखेंगे निरंतर वर्धमान एवं हर्षमान, हर्षमान में एक्स का मान तभी प्राप्त होगा जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू है कितना है, ऐसे कर देंगे एफ डैश एक्स इजकल टू 0। तो इसका जो वैल्यू है क्या है, 4x - 3, यहाँ पर लिख लेंगे 4x - 3 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, 4x माइनस हो जाएगा तो प्लस, यहाँ से एक्स बराबर का जो गुना कर तो भाग कर देगा, 3/4 हो गया, ठीक है। हमें क्या पता करना है, एक्स का तो हमने मान निकाल लिया, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि निरंतर वर्धमान और निरंतर हर्षमान। तो हम पहले निरंतर वर्धमान के लिए चलते हैं, ठीक है। नंबर ए, निरंतर निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और हमारा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है क्या है, वो हमारा है 4x - 3। यहाँ पर लिख लीजिए 4x - 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ से गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, तो x इजकल टू 3/4 हो गया, यानी x का जो वैल्यू आया वो 3/4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं, इसका फिगर क्या हो जाएगा, इधर इनफिनाइट इधर -∞, क्योंकि हमें अंतराल बताना है ना, यानी यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 3/4 से बड़ा, मतलब किधर, इधर जाएगा, एक्स की तरफ जाएगा ना, इधर मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, क्योंकि 3/4 से बड़ा बोला है तो किधर जाएगा, माइनस तरफ जाएगा, प्लस तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा ना, एरो हम इधर लगा लेंगे। यानी हमारा यहाँ से जो इंटीजर का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 3/4 से क्या होना चाहिए, इधर जाएगा ना, बड़ा ना, तो बड़ा मतलब 3/4 से बड़ा क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इनफिनाइट तक जा सकता है, यानी ए वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। हमें तो अंतराल बताना है, तो ए अंतराल हो गया निरंतर वर्धमान के लिए। अब हमें निरंतर हर्षमान का निकालना है, आइए यहीं पर कर लेते हैं। बी नंबर, निरंतर हर्षमान के लिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक आता है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू है ये दिया है ना,
फोर एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा फोर एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स तीन बटा चार, यानी इसके लिए जो बनेगा वो होगा इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक, और ये जो वैल्यू कह रहा है ये क्या कह रहा है, तीन बटा चार से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू जो है किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, यानी माइनस की तरफ जाएगा, यानी इसका जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तीन बटा चार से किधर, माइनस की तरफ ना, कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक, तो माइनस इन्फिनाइट तक लिख लिए। ये सब हम लोग इलेवेंथ क्लास में पढ़े थे, ठीक ना। तो 6.2 मेरे ख्याल से लग रहा है कि मतलब 40% इलेवेंथ क्लास से रिलेटेड है, वहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ हम पढ़ाए थे, ठीक ना। तो चलिए ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर का यही आंसर अंतराल हो गया, हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फाइव पर। फाइव क्या कह रहा है भाई साहब कि अंतराल ही ज्ञात करना है जिसमें एफ एक्स का वैल्यू अब इतना दिया है, तो प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्धमान और एक निरंतर ह्रासमान बताना है। चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर फोर ही जैसा है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो एफ एक्स का वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं, एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको लिखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7। इसको एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 2x, यानी ये हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा क्यूब है ना, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x स्क्वायर है ना, इसका हो जाएगा 6x, और 36 का तो 36x है, ये हो जाएगा 36, और इसका तो 0, यानी फाइनल जो रिजल्ट आया एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आपको पता है कि निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान का मान तभी प्राप्त होगा जब उसके बराबर में 0 होना चाहिए। लिख लेंगे थ्योरी, निरंतर वर्धमान एवं ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और ह्रासमान फलन में एक्स का मान तब भी प्राप्त होगा जब हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू है कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x³ का हो जाएगा 3 है ना, 3 × 6x² हो जाएगा, यार गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 होगा, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 6 बराबर 0। यहाँ से गुणा कर जाएगा तो भाग कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, 0/6 0 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, और इसको हम 6 लाना है ना, यदि हम 3x में से प्लस 2x माइनस करेंगे तो माइनस एक्स रहेगा, और गुणा करेंगे तो 6x² आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लो, x माइनस 3 और यहाँ से 2 क्या लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस 2 1 हो जाएगा, x प्लस 2 और दोनों में से कोई एक लिख लो, x माइनस 3 बराबर 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 3 हो गया, ठीक है, 2 आया। अब दोनों कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, देखिए इसको फिगर पर लेते हैं, ठीक है, इसको हम फिगर पर लेते हैं। फिगर ऐसा बनेगा हमारा कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, नंबर 1 ले लो कि जब हम x का जो माइनस 2 है, x बराबर माइनस 2, जब x का जो वैल्यू इससे छोटा होगा, तब जब
मान लेते हैं एक्स माइनस टू से एक्स का वैल्यू छोटा होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा एक्स बराबर माइनस तीन हो जाएगा, माइनस चार हो जाएगा, माइनस पाँच डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, इस तरह से एक्स का माना जाएगा। तब हमारा एफ डैश एक्स का मान क्या होगा ये हम चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स, अब इसमें से कोई भी एक मान ले लो, हम माइनस तीन ही ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी ले सकते हो, माइनस तीन ले लिए तो क्या हो जाएगा, किसमें भरेंगे हम समीकरण किसमें, फर्स्ट में भर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस 36, यानी एफ डैश माइनस टू ना, माइनस माइनस टू भरना है यार, यहाँ पर टू होगा, ठीक है, थ्री भरना है, थ्री भरना है, थ्री भरना है, थ्री, तो थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिक्स दुदुनी के तीतरी का नौ, नौ छक 54 और तीन छक 18 माइनस 36 कितना जाएगा, आठ छः 14, अच्छा ये जो है इतना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 54 और 18 में से 36 चला जाएगा, तो 18 18 36 हो जाएगा, कितना जाएगा 36 हो जाएगा, किस में आया, एक धन संख्या आया, देखो ये पॉजिटिव में आया, कब, जब हमारा एक्स का जो मान माइनस टू है, माइनस टू से जब छोटा मान रखेंगे एक्स का तो हमारा धन यानी प्लस में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम एक बार ये भी चेक करेंगे कि माइनस टू से छोटा, माइनस टू से क्या, माइनस टू से बड़ा, एक बार चेक करेंगे, माइनस टू से बड़ा और थ्री से छोटा चेक करेंगे, ठीक है। आइए सेकेंड नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं सेकेंड नंबर में कि एक्स का जो मान, एक बार तो हम छोटा चेक कर लिए, अब बड़ा चेक करेंगे, एक्स का जो मान है माइनस टू से, सॉरी गलत लिखा गया, एक्स का जो मान है माइनस टू से बड़ा तथा एक्स का मान एक बार थ्री से छोटा, एक्स का मान थ्री से छोटा, तो क्या निकल के आएगा नंबर हमारा, देखो पहले तो हमने माइनस दो से छोटा वाला चेक किया तो हमारा एक धन मैंने प्लस में आया, पता चल गया आपको। जब हम इसी को अब छोटा चेक करेंगे, मतलब ऐसे माइनस टू से अब बड़ा और तीन से छोटा चेक करेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस दो से बड़ा क्या होगा, माइनस एक जीरो, तीन से छोटा एक दो, ये होगा एक्स का वैल्यू। अब इसमें से कोई वैल्यू रखो उसका, देखो क्या रहा है वैल्यू, तो चलो रखते हैं, जब हम एफ डैश हम मान लेते हैं जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, किस में रख रहे हैं, इसमें ना, इसमें, तो क्या हो जाएगा, छः इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू जीरो माइनस 36 बराबर 36, ठीक है। तो एफ डैश जीरो बराबर जीरो माइनस छत्तीस, माइनस जीरो भी माइनस 36, एक कितना आ गया, माइनस 36 में आ गया, एक क्या आ गया, एक ऋण आ गया, ठीक है। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लास्ट में आपको समझाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उस बात को आपको समझना है। ये तो आपको दो चीज़ समझ में आ गया, अब तीसरी क्या है, तीसरी आप यहाँ आ जाओ, अब तीन से क्या, हमने एक बार छोटा चेक कर लिया, एक बार इससे बड़ा इससे छोटा, अब इससे क्या करेंगे, बड़ा चेक करेंगे, किससे, तीन से। उसके लिए देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, जब हम एक्स का वैल्यू थ्री से बड़ा रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, छः हो जाएगा, ऐसे ही इन्फिनाइट तक। अब रख करके चेक करते हैं समीकरण फर्स्ट में, एफ डैश मान लो हम फोर ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर है कि थ्री है, क्या है, फोर है नहीं सिक्स है, सिक्स इंटू फोर का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू फोर माइनस 36, यानी एफ डैश फोर का जो मान आया, एफ डैश फोर का जो मान आया, चौ का 16, सोलह छः का कितना, चार चौ का 16, 16 85, 16 6 का 96, माइनस 6 4 का 24 माइनस 36, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 6 4 10, 3 2 5, यानी ये 50 हो गए, ठीक है, नहीं 60 हो गए, 60 में से 66 घटाएंगे कितना, 60 3 यानी 36 आ गया, ये भी क्या आ गया, एक हमारा धन ही संख्या आ गया। अब देखिए आपको पता करना है, आपको तो फर्स्ट में क्या पता करना है, निरंतर वर्धमान के लिए, तो पहले लिखेंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान क्या हो जाएगा, उसके लिए होना चाहिए एफ डैश एक्स का जो वैल्यू जीरो से बड़ा से, यानी इससे बड़ा होना चाहिए,
तो उससे बड़ा के लिए क्या क्या नंबर इंटीजर मिला है, देखिए आप चेक करिए यहाँ पे। यहाँ पर हम चेक करेंगे, ऐसे मान लीजिए हम एक लाइन खींच लेते हैं, जैसे एक दो, दो है ना, एक से एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तीन के लिए, एक्स बराबर माइनस दो ना तीन तक के लिए ये लाइन था। तो एक बार हमारा जो पॉजिटिव के लिए, निरंतर वर्धमान में क्या होता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए एक हमारा माइनस टू से लेकर इनफिनाइट तक नंबर जा रही है, यानी जब हमारा माइनस टू से लेकर के माइनस इनफिनाइट तक जा रही है उसमें से कोई नंबर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है धन आ रहा है, तो एक हमारा ए भी हो जाएगा। ठीक है, क्या माइनस इनफिनाइट से माइनस टू तक निरंतर वर्धमान के लिए आई बराबर जो वैल्यू होगा माइनस इन्फिनाइट से लेकर के माइनस टू तक, और होगा और देखो धन वाला यहाँ पर भी है यहाँ पे, कि जब हम माइनस टू से सॉरी यहाँ पे है, जब थ्री से क्या थ्री से बड़ा रख रहे हैं, थ्री से बड़ा मतलब इन्फिनाइट तक, तभी क्या हो रहा है पॉजिटिव ही हो रहा है, तथा थ्री से लेकर के इन्फिनाइट तक ए हमारा निरंतर वर्धमान के लिए। अब बी नंबर है निरंतर हर्षमान, निरंतर हर्षमान वो क्या कहता है एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मिला है ए वाला सेकंड सेकंड नेगेटिव है ना, देखो ये क्या होना चाहिए माइनस टू से बड़ा और थ्री से छोटा होना चाहिए, यानी इसका जो आई का वैल्यू होगा माइनस टू से लेकर के थ्री तक होगा ए होगा, निकाल दिया अंतराल। यही तो है, तो बात को समझ गए होंगे तो आपको बहुत ईजी लगा होगा, बात को नहीं समझोगे तो आपको बहुत हार्ड लगा, नहीं पता चला होगा। तो एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग सभी क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव को ध्यान से फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ये थोड़ा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसमें इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कभी, आपको बता दें पहले ही, ठीक है, इसमें लॉजिक होता है, लॉजिक आपको लगाना होता है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कॉल करके जरूर हमसे पूछिएगा, आपको बताने का हम जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए छः नंबर, जैसे हमने फोर फाइव बनाया, फाइव मान लो फाइव जैसे हमने बनाया, जस्ट उसी तरह से सिक्स नंबर बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आपके लिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर हम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर ई बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम के व्यू से आ जाता है लॉन्ग में, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन बना देते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बाकी आपको क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बनेंगे, आप जरूर इसको बनाने की कोशिश करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है, हम बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, आप लोग प्रैक्टिस करो यार, ठीक है, आप लोग बनाओ बन जाएगा। ओके, हम ई नंबर को सॉल्व करके देखते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद देखा जाता है क्या होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम ई देखेंगे, ई को ही सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, अंतराल बताना है वर्धमान और निरंतर वर्धमान और निरंतर हर्षमान का। ओके, सबसे पहले तो एफ एक्स का जो वैल्यू दिया उसको लिख लो, एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये देखो इसको यू मान लेंगे इंटू भी, यू इंटू भी पर इसको बैठा देंगे, पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो यहां से हमारा इसको यू है ना, यू को बाहर कर देते हैं, तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब और डी लगा देंगे इसमें, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब बाई डी एक्स, आई इन टू है तो प्लस हो जाएगा, फिर के बाहर कर देंगे भी को, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब और डी इसमें लगा देंगे, एक्स प्लस वन का होल क्यूब बाई डी एक्स, ये हमने फार्मूला लगा दिया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर इसको तोड़ देंगे, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब को जब हम तोड़ेंगे ना तो पता है क्या होगा, थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, ये कितना हो जाएगा थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए
एफ डैश एक्स बराबर, अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन मिलेगा, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और थ्री थ्री कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा ना, तो इसको ले लेते हैं, और वन भी मिलेगा यार, वन भी मिलेगा, यानी हमारा थ्री भी कॉमन मिल जाएगा और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा और प्लस यहाँ से वन बच जाएगा और यहाँ से एक्स और यहाँ से माइनस थ्री, माइनस थ्री ना, एक्स माइनस थ्री बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस थ्री एगो बच गया, यहाँ से एक्स प्लस, यहाँ से एक्स प्लस वन एगो बच गया, ठीक है, हमने ले कर लिया। अब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसको देखो एक्स एक्स टू एक्स और माइनस थ्री में से टू जाएगा, माइनस टू हो गया। यहाँ से हम कर लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर, इन दोनों में से टू कॉमन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर देगा, तीन दूनी छः हो जाएगा डायरेक्ट, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वन, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वर्धमान और ह्रासमान का मान तभी प्राप्त होगा जब उसके बराबर जीरो होना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो लिखेंगे फार्मूला वर्धमान एवं ह्रासमान फलन में एक्स का मान तभी प्राप्त होगा जब हमारा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा इसके बराबर जीरो कर लेते हैं, सिक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है, तो एक बार इसके बराबर जीरो कर देंगे, ठीक है, एक बार इसके बराबर जीरो कर देंगे और एक बार इसके बराबर जीरो कर देंगे, हमारा तीन एक्स का मान आ जाएगा। तो एक बार हम सिक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो किए तो क्या होगा, ये सिक्स गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा, जीरो बटा छः जीरो ही ना होगा, अब यहाँ स्क्वायर दे रहा है तो रूट लग जाएगा, यानी एक्स प्लस वन बराबर रूट जीरो, यानी एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक, एक बार उसी तरह इसको भी करेंगे, एक्स माइनस थ्री के पावर टू बराबर जीरो है तो एक्स माइनस थ्री बराबर क्या कर देगा, रूट जीरो, तो एक्स बराबर थ्री हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, डायरेक्ट करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर एक्स माइनस वन बराबर जीरो है, ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, यानी एक्स का जो मान आया आपका, एगो माइनस एगो थ्री एगो एक, एक्स का जो मान आया माइनस वन और एक आया थ्री और एक आया एक, ये आया, इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करने का जरूरत है, माइनस आया थ्री आया और एक आया, ये आया हुआ है, ठीक है, हमारा एक्स का मान कितना आया, तीन मान आया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, एक बार जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव में किया ना कि माइनस एक से छोटा के लिए चेक करेंगे, एक बार इससे बड़ा और इससे छोटा के लिए चेक करेंगे, एक बार तीन से बड़ा और एक से छोटा के लिए चेक करेंगे, और एक बार एक के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, ओके, समझ में आया, चलिए करिए। तो एक बार इससे छोटा के लिए, नंबर वन, जब एक्स का मान माइनस एक से छोटा के लिए चेक करेंगे तो वो हमारा एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक से छोटा क्या होगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, यानी हमारा एफ डैश, मान लो हम इसको लेते हैं माइनस टू का वैल्यू, किसके लिए, किस में, इसमें, ये जो हमारा है ना, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट ही मान लो, इसमें रखते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस टू भरना है तो भरिए, माइनस वन भरना है ना, माइनस वन भरना है कि टू भरना है, माइनस टू भरना है, तो क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू माइनस टू का स्क्वायर इंटू माइनस टू माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स था हमने भर दिया। अब क्या आ जाएगा यहाँ से,
ये हमारा आ जाएगा 2 × 4 = 24 का 24, ये हो जाएगा इनटू में 25 और -3 ना, -3 देखो इसको गुना कराएंगे 24 ले 25 ले -3 से वो क्या आएगा, वो हमारा नेगेटिव नंबर ही आएगा यानी माइनस नेगेटिव में आएगा। ओके पता चल गया, पता चला ना ये हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर के इसका जो अंतराल होगा वो -1 से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, -1 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट तक होगा, समझ में आ रही बात। अब हम इससे बड़ा और इससे छोटा चेक करेंगे, नहीं तो ऐसा करो इस -1 से, -1 और 1 है ना, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं, तो बड़ा हो जाएगा ना, इसके बाद चेक कर लेंगे, इसको दोनों को चेक करेंगे। इससे क्या करेंगे, इससे हम -1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए चेक करेंगे, वो क्या मिलेगा नंबर, आइए जब एक्स का मान -1 से बड़ा लिए और 1 से छोटा लिए तब हमारा एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 से बड़ा 0, 1 से छोटा 0, यानी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा 0 मिलेगा। हम समीकरण फर्स्ट में चेक कर लेते हैं रख करके, जहाँ जहाँ एक्स है तो हो जाएगा एफ डैश 0 बराबर 6 × 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा 9 × क्या होगा, यहाँ पर 0 भरो, 0 -3 यानी 3 का स्क्वायर -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 -1 यानी -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब हम 0 -3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा ना, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर क्या भरेंगे यार, यहाँ पर 0 -1 यानी -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखो ये माइनस सबको गुना कराएगा तो क्या कर देगा, वो माइनस में ही लाएगा, यानी ये भी क्या आ गया, निगेटिव में ही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे चेक, अब थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यहाँ पे इससे बड़ा एक के लिए करेंगे, यानी एक से बड़ा जब हम एक्स का वैल्यू एक से बड़ा चेक करते हैं, तो एक से बड़ा चेक करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसा नंबर होगा, तो हम 2 रख करके चेक करते हैं, एफ डैश 2 जहाँ जहाँ एक से 2 भर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 का स्क्वायर है ना, 2 का होल क्यू एक स्क्वायर है, 2 + 1 का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही है ना, एक्स माइनस 3 यानी 2 − 3 यानी -1 का स्क्वायर, यहाँ पर कर देंगे -1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2 − 1 यानी 1 हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 9 = 54 × 1 × 1 यानी ये प्लस में नहीं आएगा ना, 54 आ गया, यानी ये हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी ये पॉजिटिव आ गया। अब हम एक बार चेक करेंगे एक से बड़ा और 3 से छोटा के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नहीं इसके लिए तो हो गया, एक से बड़ा और छोटा के लिए तो हो गया, अब हम ओनली सिर्फ 3 के लिए चेक करेंगे, एक से छोटा 3 के लिए चेक करेंगे। जब हमारा x का मान मान लो 3 से छोटा होगा, तब जब x का मान 3 से क्या छोटा चेक करेंगे, बड़ा चेक करें, बड़ा चेक करने गए, क्यों, क्योंकि पहले हम इसके लिए सबके लिए तो चेक कर ही लिए, इसको बड़ा के लिए चेक कर लेते हैं। x बराबर ऐसा कर लेते हैं, जब x बड़ा 3 एंड 3 से बड़ा जब x होगा तब क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 4, 5, 6, 7 ऐसा नंबर होगा। तब रखेंगे फर्स्ट में f, मान लो 4 रखते हैं, f डैश 4, तो क्या हो जाएगा, इसमें रखिए, इसमें 4 + 1 = 5 हो जाएगा, 5 × 6 का स्क्वायर, यानी ऐसा हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 6 × 5 का स्क्वायर, और यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 − 1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी देखो सब प्लस में है, यानी ये भी क्या आएगा, एक हमारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। नंबर आपको पता सिर्फ क्या करना है,
निगेटिव ए पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पता करना है आपको, ठीक है। ये आपको मेन मकसद है कि कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, हमें ये पता करना होता है, ठीक है। अब चलिए आपको मेन क्या है, आपको तो मेन लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है यार, सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या लिखना है, देखो आपको निरंतर वर्धमान और ह्रासमान निकला है, तो नंबर ए, नंबर ए निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान एफ डैश एक्स यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी ये सारा का सारा पॉजिटिव बोला लो भाई। तो पॉजिटिव वाला कौन कौन नंबर मिला इसमें, देखो एक तो पॉजिटिव वाला हमें ए मिला और एक ए मिला, यानी एक बार हमारा क्या हो रहा था, एक से बड़ा, एक से बड़ा और तीन से क्या छोटा, यानी एक तो मिला एक तीन और यहाँ पर एक तीन और तीन से बड़ा वाला भी सब क्या हो रहा है पॉजिटिव यानी इन्फिनाइट तक, ये सब नंबर क्या हो गए ये पॉजिटिव के लिए। तो इसका जो अंतराल हो जाएगा एक से तीन आता था तीन से इन्फिनाइट वाला हो जाएगा। अब बी नंबर निरंतर हर समान, निरंतर हर समान के लिए एफ डैश एक्स वो हमारा जीरो से छोटा होना चाहिए। और माइनस वाला देखो, माइनस वाला कहाँ से कहाँ तक गया, एक था या माइनस एक से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक, इसको लिख लो, यानी माइनस इन्फिनाइट से माइनस एक तक ये हो गया तथा और क्या मिला, और हमें भी मिला कि माइनस एक से लेकर कहाँ तक, एक तक, माइनस एक से लेकर के एक तक, इसका अंतराल और इसका अंतराल हो गया। तो ये क्वेश्चन करने में हमको तो मतलब नहीं होता है कि लिखने लिख मतलब बात जो लिख रहे थे बना रहे थे हमें बहुत भार लग रहा था, क्योंकि जो काम बहुत इजी लगता है ना बिना काम का कोई काम होता है तो बड़ी बेकार लगता है, ठीक है। और ये हमारे मन में तो सारा बात चल रहा है, पता नहीं आप लोग को मन में कैसा विचार आ रहा है पता मेरे को नहीं चल रहा यार, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ही है जिनको समझ में आएगा वो पानी जैसे बनाएंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो मतलब रटते जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता है। तो हम कहेंगे कि आप पहले थ्योरी पढ़ जाना और जो 11th क्लास में जो यूज है वो पढ़े होंगे तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको कुछ नहीं पता चल रहा होगा, जिनको समझ में आ रहा होगा उनको पानी जैसा बना देंगे वो, तो जिनको नहीं आ रहा होगा भाई साहब देखो इस नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछो, हम बताएंगे आपको, टाइम देंगे, ठीक ना, आप टेंशन ना लेना, ठीक है ना, इस नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, बिना शरमाए हुए पूछना यार, ठीक है, हम है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए सात नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सात नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि वाई बराबर लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स बटा टू प्लस एक्स, माइनस एक से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, चेक करना है। चलिए इसको भी बनाकर दिखाते हैं सात नंबर को। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ नहीं है, बस पहले जो वाई दिया है ना उसको लिख लो, बहुत ईजी है और ये हमारे एग्जाम में आते हैं यार, आपको फाइव फोर और सिक्स आए चाहे ना आए लेकिन सेवन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, मजेदार क्वेश्चन है। y बराबर लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स बाई टू प्लस एक्स हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको x के सापेक्ष अवकलन निकाल लेते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है। log 1 प्लस एक्स है तो log में हम d लगाएंगे, ठीक है, log में d लगाएंगे तो d log 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब माइनस ये 2x बाई टू प्लस एक्स है यानी u बाई भी का लाएगा, तो देखो इसको u मान लो, ठीक है, इसको भी मान लो, तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान देना, सबसे पहले हमें तो पता है कि ये हमारा 2x है और ये 2 प्लस क्या है x है, u बाई भी का फॉर्मूला लगने वाला है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप ऐसा कर लो कि दिमाग लगा दो कि इसको पहले हम इसको हम पहले बाहर कर लेते हैं, u भी को बाहर कर दिए तो u में डिफ्रेंशिएशन तो d 2x बाई डी एक्स माइनस इसको, इसको क्या है
ए, अब की बार यू को बाहर यानी 2x को बाहर किया तो भी में लगा दिया, 2 + x / dx। अब बटा क्या होता है, भी स्क्वायर, तो 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप लोग तो पढ़े हैं यार, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लास 12 में चैप्टर 5 यानी पिछला चैप्टर में आप लोग ये सब पढ़े हैं, वही सेम चीज़ है। इसको सॉल्व कर लो, अवकलन पहले मज़ेदार एकदम क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है आराम से अवकलन बनाओ इसका, ठीक ना। अवकलन में आप लोग तो माहिर हो चुके हो, तो log 1 + x यानी क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, तो log 1 + x का हो जाएगा 1/1 + x माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 + x ज्यों का त्यों, और ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा ना, तो 2, और dx/dx कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से 2x × 2 को तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और dx/dx का 1 हो जाएगा। अब बटा 2 + x² अब इसको सॉल्व करते चलिए, dy/dx बराबर 1/1 + x माइनस, इसको गुना कराएंगे तो क्या होगा, इसको ऐसा करो कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 + x और यहाँ पर 1। अब बटा क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ से क्या x यहाँ बचेगा यार, x तो नहीं ना कॉमन लिया, x बचेगा। अब बटा 2 + x² यहाँ से dy/dx बराबर 1/1 + x, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दुदुनी के 4, 2 से और x ले 2x और -x बटा 2 + x² अब हो जाएगा dy/dx बराबर 1/1 + x, 4 2x में से जाएगा x बटा 2 + x² इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखो अब हम क्या कर लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा, मिस्टेक तो नहीं कहीं हो रहा है ना वो चाचा, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो ना, देख लो ध्यान से। 1/1 + x माइनस, ये हो जाएगा 4, और अच्छा, यहाँ पर जो हमने किया ये 2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर 2 + x तो बचा था हमारा, 2 + x तो बचा था। तब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 2 इसमें गुना कराए हैं, 2 × 2 = 4 और 2 से ले x, तो 2 से तो इसमें भी गुना करना चाहिए था ना, क्योंकि इसमें से क्या ना कॉमन लिया गया है भाई, दोनों में कॉमन लिया गया है, तो इसमें भी हक बनता है कि गुना कराया जाए, तो ये भी गुना करेगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा -x नहीं, 4/2 + x² बच जाएगा, ठीक है। यानी फाइनल जो रिजल्ट आया, dy/dx कहने का मतलब f′x, डिफ्रेंशिएशन को dy/dx भी कह सकते हो ना, तो f′x भी कह सकते हो, यानी दोनों एक ही काम होता है, एक ही बात होता है, ठीक है। यानी इसका जो वैल्यू आया 1/1 + x माइनस 4/2 + x² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, आपको दिया है कि -1 से बड़ा x का वैल्यू रख करके अपने संपूर्ण प्रांत का वर्धमान फलन है, यानी ये पॉजिटिव हो रहा है तो वर्धमान कहेंगे, नेगेटिव हुआ तो नहीं कहेंगे। चलिए रख करके देखते हैं, यहाँ x का जो मान है -1 यानी धन पूर्णांक आपको लाना है, इसको रख करके, यानी -1 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब नंबर होंगे, ठीक है, कहाँ तक, इनफिनाइट तक। चेक करिए, तो हम मान लीजिए 1 ने रख करके चेक करते हैं, इसमें तो 1/1 + 1 हो जाएगा माइनस 4/2 + 1² हो जाएगा, यानी f′1 बराबर 1/2, 4/3 = 9। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 का LCM 18, भाग देंगे 9 बार में, 9 4 यानी 5/18 आ गया, 5/18 आएगा, कितना जाएगा, 2 × 9 = 18 तो 9, और 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8, अरे यार 1/18 आएगा, 1/18 आएगा, 1/18 क्या है, पॉजिटिव है, यानी हमारा धन आ गया, धन आ गया तो हम बोल लेंगे यह वर्धमान है, आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा बाबू क्वेश्चन बनता है, ओके। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लास लॉन्ग होते जा रही है, लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे, अभी और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। 10 तक कम से कम सॉल्व कर लिया जाए।
आठ नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वाई बराबर इतना एक वर्धमान फलन है। अब बताओ एक्स के उन मान को ज्ञात करना है जो एक वर्धमान, मतलब एक्स के उन मानों के लिए ज्ञात करना है जितना एक वर्धमान फलन है। अब आप आठ नहीं बना लोगे, देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना और एक्स का मान आप कुछ भी ले लेना, ऐसा लेना कि वर्धमान फलन ही हो जाए। तो देख लेना अपना कंडीशन के अनुसार, पहले इसका अवकलन कर लो, बस माइनस में अवकलन करने के बाद एक्स का कोई भी मान भर दो, बस वो माइनस में नहीं आना चाहिए, वो प्लस में हो जाए, आपको वही आंसर सही हो जाएगा। तो आपको ये काम दे रहे हैं, अब बना लेना, ठीक है। नाइन नंबर के सिद्ध कीजिए कि जीरो से पाई बाई टू में वाई बराबर इतना माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। आइए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, ये भी बहुत इजी है, ठीक ना। अब सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको इसमें समझना था, वो है बहुत इजी, ठीक है। पहले तो जो आपका थीटा का मान बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, ठीक है। आपका वाई का वैल्यू दिया हुआ है, वाई इजकल टू 4 sin थीटा बाई 2 cos θ, ठीक है। अब माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, वहीं यू बाई वी पर फॉर्मूला लगा करके हल कर देना है, अवकलन करने पर करिए क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो 4 sin θ बाई 2 cos θ, यू बाई वी पर तोड़ दो यार, तो क्या हो जाएगा, यू बाई वी पर हमें हमको ही तोड़ना पड़ेगा क्या, क्या आप तोड़ सकते हो, ऐसे कर लो, ये फोर है ना, ये फोर आपको डिफिकल्ट कर देगा, तो फोर को ऐसे कर दो, फोर ऐसे sin θ 2 cos θ माइनस थीटा, इसको यू बाई वी पर तोड़ दो, ये फोर को सब में कॉमन रहेगा, मल्टीपल करते रहेगा हमेशा, दिक्कत नहीं करेगा बार बार गुना भाग करने के लिए, ठीक है। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, फोर का फोर हमने बाहर लिख लिया, अब इसको यू बाई वी पर तोड़ो, क्या करेंगे, पहले वी को बाहर लिख लेंगे तो 2 cos θ, फिर डी लगा देंगे साइन में तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस, फिर साइन को बाहर तो लगा देंगे 2 cos θ बाई डी थीटा बाई वी स्क्वायर होता है तो 2 cos θ का स्क्वायर। यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 4 2 cos θ, साइन का क्या हो जाएगा cos θ माइनस sin θ का sin θ, और 2 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस sin θ हो जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा है, तो अच्छा, एक बात ध्यान रखिए चचा, जो थीटा में सब दिया है ना, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष नहीं करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डी थीटा का भी अवकलन करेंगे तो माइनस डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा, तो डी थीटा बाई डी थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये ना छोड़ो चाचा, ठीक है। 2 cos θ का स्क्वायर, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ध्यान देना चाचा कहने का मतलब ऐसा मत समझना कि चाचा आपको बोल रहे हैं, ठीक है, वो भाषा है, ठीक है, दिल पर मत लेना। 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 cos θ, 2 cos θ इंटू cos θ है ना, तो इसको मल्टीपल करा देंगे, तो 2 से और cos θ से 2 cos θ, cos θ से cos θ से cos²θ, माइनस साइन से और माइनस साइन से sin²θ, और माइनस 1 है, अब बटा में इसको लिख लो 2 cos θ का स्क्वायर। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 4 2 cos θ, cos²θ प्लस sin²θ क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अरे माइनस 1, अब बटा 2 cos θ का स्क्वायर, माइनस प्लस खत्म, यानी हमारा डी वाई डी थीटा को क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स कह सकते हो, ठीक है, एफ डैश थीटा कह सकते हो, एक्स एक्स नहीं थीटा कह सकते हो, क्योंकि थीटा में है, डी ओ बाई डी थीटा को एफ डैश थीटा कह सकते हो। और यहाँ पर 4 2 cos θ बाई 2 cos θ का स्क्वायर, ये आ गया, यानी ये क्या है, एक ये धन संख्या है, क्या है, धन संख्या है। जब ये धन संख्या है तो हम बोलेंगे कि निरंतर वर्धमान फलन है,
क्यों? क्योंकि थीटा का मान कुछ भी रहेगा तो प्लस में आएगा, यानी हम उसको निरंतर वर्धमान फलन बोल देंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ही कर सकते हो, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, 9 तो कंप्लीट हो ही गया, अब हम 10 को देखेंगे, ठीक है। आइए 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से लेकर के इन्फिनिट में निरंतर वर्धमान फलन है। आइए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान देना। पहले तो हमारा लघुगणकीय फलन बोला, लघुगणकीय किसको कहते हैं, लॉग एक्स को कहते हैं यार, यानी जो हमारा यहाँ पर एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वो लॉग एक्स दिया है, लघुगणकीय मतलब लॉग, ठीक है। और जबकि हमारा इसमें शर्त रखा है कि जो एक्स का मान बिलोंग करेगा वो जीरो से लेकर के इन्फिनाइट तक करेगा, ठीक है। हमने जो कहा था लिख लिया, अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, इतना आ गया। यानी हमारा एक्स का जो मान बिलोंग करेगा जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यानी एक्स का जो मान होगा वो सॉरी एक्स का जो मान होगा जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक्स का मान जो जीरो से बड़ा होगा यानी ऐसा हमारा फिगर बनेगा, ठीक है। और जो एक्स का मान बोला गया है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर जाएगा, ठीक है। यही ना क्वेश्चन है भाई साहब, जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो क्या बोला है, एक्स का जो वैल्यू है देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो है ही है जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर के इन्फिनिट तक, मतलब ये जो बिलोंग करेगा ये जीरो से लेकर आगे तरफ जाएगा, यानी हमारा जीरो से बड़ा करने का मतलब एक्स का जो मान होगा एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन रखकर चेक करेंगे किस में, इसमें। तो एफ डैश वन बराबर वन, तो वन एक्स है तो एक्स का मान क्या रखेंगे वन, तो वन बाई वन कितना वन हो जाएगा। फिर एफ डैश टू तो ये हो जाएगा वन बाई टू, फिर एफ डैश थ्री ये हो जाएगा वन बाई थ्री, यानी ऐसे ही चलते जाएगा। और हमारा जो भी नंबर बोल रहे हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सब प्लस में आएगा। तो हम बोल सकते हैं यार कि निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, रात के बज गए दो, ठीक है 2:30 हो रहा है, तो समझ लो 2:30 बजे आपको रात का वीडियो बना रहे हैं हमें, अब नींद आने लगा, अब नींद आने में थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए मेरे यहीं का नाम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जिनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो यार, आपको लिए हम फिर से वीडियो बना देंगे, आपको मेरे वीडियो कॉल पर समझा देंगे, ठीक है ना। लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है, इससे ईजी हमको नहीं लगता है 6th चैप्टर में कोई और क्वेश्चन है, ठीक ना। बस जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया उनका तो माथा पीट लो, पीट लो कितना भी पीट लो आप, आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आएगा उनको जरूर कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो पार्ट टू में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ की क्वेश्चन को, ओके। तो बच्चों आज हम इतना ही रन देते हैं, और आप लोग मन से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जा रहा हूँ सोने, और आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इतना देर तक क्लास किया यार आप लोग, 1 घंटा से बेसिक क्लास कर ली आज, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, और मन से पढ़ाई करिए, जहाँ भी दिक्कत होता है मेरे को कहो, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे यार, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।